आर्य भाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण करते समय ग्रियर्सन ने भीतरी उपशाखा के अंदर के समुदाय की बोलियों के एक वर्ग के लिए पश्चिमी हिंदी नाम दिया। पश्चिमी हिंदी को उन्होंने स्टैंडर्ड हिंदी के रूप में स्वीकृत किया। पश्चिमी हिंदी मुख्यतः मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इस समूह की बोलियों का विभाजन इस प्रकार से है: खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इस विभाजन से स्पष्ट है कि बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी अपने व्यापक अर्थ में एक बड़ा भाषिक समूह है जिसमें अनेक बोलियां और उपबोलियां विद्यमान हैं और उनमें विपुल साहित्य संपदा है। हिंदी के बृहत्तर हित हेतु इन भाषाओं का इतिहास, विकास एवं साहित्य का अनुशीलन अपेक्षित है। यहाँ हमारा प्रयोजन बुंदेली भाषा के विस्तृत अध्ययन से है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश बुंदेलखंड कहलाया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ पर बुंदेला राजाओं का राज्य रहा। बुंदेलखंड भारत का एक विशिष्ट भूभाग है जहाँ की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, उल्लेखनीय गरिमा है, स्मरणीय इतिहास है। इस भूभाग में एक साथ लोक एवं शिष्ट संस्कृति आज भी सुरक्षित है। अधिकांश इतिहासकारों ने बुंदेलखंड की सीमा उत्तर में यमुना तक, दक्षिण में नर्मदा तक, पूर्व में टॉन्स नदी तक और पश्चिम में चंबल नदी तक मानी है, अर्थात चारों नदियों के बीच का भूभाग बुंदेलखंड कहलाया। इस प्रांत के संबंध में एक दोहा प्रचलित है जिसमें बुंदेल भूमि की सीमाओं को बांधने का प्रयास किया गया है। यमुना उत्तर और नर्मदा दक्षिण अंचल, पूर्व और है टॉन्स, पश्चिमा अंचल में चंबल। बुंदेलखंड पहाड़ों से परिपूर्ण है। थोड़े से भूभाग को छोड़कर शेष प्रदेश पर्वतों से घिरा है। विंध्याचल, पन्ना का पहाड़, मांडेर पहाड़ और तैमूर श्रेणी। इसकी स्थिति यूरोप के स्विट्जरलैंड के समान है। डॉक्टर शिव सहाय चतुर्वेदी के अनुसार विंध्याखंड के नाम से संबोधित यह प्रदेश लगभग 400 वर्षों से बुंदेलखंड कहलाने लगा, लेकिन वर्तमान समय में यह क्षेत्र इससे कुछ अधिक बड़ा है। इसके अंतर्गत उपदेश उत्तर प्रदेश से बांदा का कुछ हिस्सा, हमीदपुर, जालौन, झांसी और मध्य प्रदेश से ग्वालियर, भोपाल का कुछ हिस्सा, ओरछा, पन्ना, दतिया, सागर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बालाघाट शामिल है। वस्तुतः समय समय पर राजाओं की सत्ताओं के अनुसार इसकी सीमाएं बढ़ती और घटती गईं। महाराजा छत्रसाल के समय में इसकी सीमा और इसके गौरव को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया: इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौस, उत्तर समथल भूमि गंग जमुना सु बहती है, प्राची दिशि कैमूर सोन काशी सु लसती है, दक्षिण रैवा विंध्याचल तन शीतल करनी, पश्चिम में चंबल चंचल सोहती मन हरनी, तिन मधि राजे गिरिवन सरिता सहित मनोहर, कीर्ति स्थल बुंदेलन को बुंदेलखंडवर। उपर्युक्त पंक्तियों में बुंदेलखंड की सीमा और गौरव गाथा का
सुंदर प्रस्तुतिकरण है। साथ ही इसका सांस्कृतिक वैभव भी अद्भुत रहा है, जिसका चित्रण कई कई तरह से यहाँ के स्थानीय कवियों ने कविता में बांधा है। निम्नांकित पंक्तियाँ इसका प्रमाण हैं। तुलसी केशव लाल बिहारी श्रीपति गिरधर रसनिधि राय प्रवीण भवन ठाकुर पद्माकर कविता मदिर कलश सुकवि कितने उपजाए कौन गिनावे नाम जाए किससे गुण गाए। यह कमनिया काव्य कला की नित्य भूमि है, सदा सरस बुंदेलखंड साहित्य भूमि है। सांस्कृतिक वैभव से संपन्न ऐसे बुंदेलखंड प्रांत की भाषा बुंदेली है। इसका एक नाम बुंदेलखंडी भी है। यह नामकरण ग्रियर्सन द्वारा किया गया। यह दासार्णी राजाओं का राज्य भी रहा। उस आधार पर बुंदेली के लिए दासार्णी नाम भी सुझाया गया। इस संबंध में हरदेव बाहरी कहते हैं कि यह नाम बुंदेलखंड के मध्यवर्ती सीमित क्षेत्र की एक शुद्ध बोली का हो सकता है। संपूर्ण बुंदेलखंड हेतु वे बुंदेली नाम को स्वीकृत करते हुए कहते हैं कि यह नाम सरल और लोकविदित है। बुंदेलखंड प्रांत की जनभाषा बुंदेली बड़ी मधुर एवं सरस है। इसकी कोमलता और लालित्य अन्य बोलियों की अपेक्षा अधिक मोहक और आकर्षक है। इसकी सुकुमारता में विनयशीलता का सुंदर मेल है। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है, जिसमें इसूरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आला, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है, मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। बुंदेली भाषा का क्षेत्र। बुंदेलखंड का सीमा क्षेत्र हम देख चुके हैं और वहाँ इस क्षेत्र विशेष की लोक भाषा बुंदेली कहलाई, लेकिन संपूर्ण बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली नहीं है। भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन इसके सीमा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक तो यह बांदा जिले की बोली नहीं है, दूसरे बुंदेली उत्तर में चंबल तक ही सीमित नहीं है। यह इस नदी को पार कर आगरा मैनपुरी और इटावा जिले के दक्षिण भाग में भी बोली जाती है। इस प्रकार दक्षिण में यह नर्मदा को पार कर आगे बढ़ गई है। यह नर्मदा के पार होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले में ही नहीं, सिवनी में भी बोली जाती है। यह बालाघाट के लोधियों द्वारा भी बोली जाती है। इस प्रकार यह 19,000 वर्ग फीट में बसे लोगों द्वारा बोली जाने वाली लोक भाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बुंदेली के सीमा क्षेत्र का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। बुंदेली शुद्ध रूप में झांसी जालौन हमीरपुर ग्वालियर भोपाल ओरछा टीकमगढ़ सागर नरसिंहपुर सिवनी तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके मिश्रित रूप दतिया पन्ना चरखारी दमोह बालाघाट तथा नागपुर में प्रचलित हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी बुंदेली का सीमा क्षेत्र करीब करीब यही बताते हैं। इस संबंध में अन्य और भाषा वैज्ञानिकों ने बुंदेली भाषा का क्षेत्र बताते हुए उपर्युक्त क्षेत्रों में किसी ने कुछ जोड़ा है तो किसी ने कुछ कम कर दिया है। जिस प्रकार बुंदेलखंड की सीमा रेखा निश्चित नहीं है, उसी प्रकार बुंदेली की सीमा रेखा को भी बांधा नहीं जा सकता। बांदा जिला यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से बुंदेलखंड के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ बुंदेली का प्रयोग न होकर
अवधि का एक रूप प्रचलित है। ग्वालियर की सीमा के साथ बुंदेलखंड की सीमा समाप्त हो जाती है, लेकिन बुंदेली इस सीमा को लांग कर आगरा, मैनपुरी और इटावा जिले के दक्षिण भागों में बोली जाती है। हालांकि इन क्षेत्रों को कन्नौजी का क्षेत्र माना जाता है। नागपुर, चांदा, बुलढाणा जिले के कुछ स्थानों पर बसे कुछ जाति के लोग बुंदेली ही बोलते हैं, लेकिन उनकी बुंदेली मराठी मिश्रित है। इसी प्रकार बालाघाट जिले के लौणी और पवार जाति के लोग जो बोली बोलते हैं वह भी बुंदेली का ही एक रूप है। कदाचित ये लोग बुंदेलखंड से आकर यहाँ बस गए होंगे और इनकी मूल पारिवारिक भाषा बुंदेली ही रही होगी। इस प्रकार हमने देखा कि बुंदेली भाषा हालांकि बुंदेलखंड की है, लेकिन फिर भी इस प्रांत का कुछ हिस्सा गैर बुंदेली है, तो दूसरी ओर बुंदेलखंड के आसपास के कुछ क्षेत्र बुंदेली भाषी हैं। तय है कि बुंदेली को किसी निश्चित सीमा में बांधना आसान नहीं है। फिर भी निम्नलिखित क्षेत्र को हम बुंदेल भाषी क्षेत्र कह सकते हैं: झांसी, जालौन और हमीरपुर जिले, आगरा, मैनपुरी और इटावा का दक्षिण भाग, ग्वालियर जिले का अधिकांश भाग, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह तथा कटनी तहसील के अतिरिक्त जबलपुर जिला, आष्ट्रा और कुछ पश्चिम भाग छोड़कर पूरा सीहोर जिला, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद और सुहागपुर तहसील, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा जिले का पूर्वोत्तर एवं मध्य भाग तथा इस जिले की अमरवाड़ा तहसील, सिवनी जिले की लखानदौन तहसील और सिवनी का मध्य पूर्वी भाग आते हैं। बुंदेली के भाषा क्षेत्र का अध्ययन करते हुए यह जानना भी आवश्यक है कि अन्य कौन सी बोलियां हैं जो बुंदेली की भाषाई सीमा बनाती हैं। इस संबंध में भी विभिन्न भाषाविदों ने अपने अपने मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। श्री हेमंत कुमार इस संबंध में लिखते हैं कि अन्य बोलियां जो इसकी सीमा बनाती हैं वे इस प्रकार हैं। इसके उत्तर में पश्चिमी हिंदी और ब्रज का प्रदेश है, दक्षिण में मराठी और निमाड़ी का, पूर्व में भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मंडला तथा पश्चिम में राजस्थानी और मालवी का अंचल है। डॉ. कृष्णलाल के अनुसार बुंदेली भाषी क्षेत्र के उत्तर में ब्रज भाषा का क्षेत्र, पूर्वोत्तर में कन्नौजी भाषी क्षेत्र, दक्षिण में मराठी भाषी क्षेत्र, पूर्व में बैसवाड़ी अवधि का एक रूप और बघेली क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ी और पश्चिमोत्तर में राजस्थानी तथा ब्रजभाषी क्षेत्र तथा पश्चिम में राजस्थानी, मालवी एवं निमाड़ी भाषी क्षेत्र है। बुंदेली की भाषाई सीमाओं से परिचित होना अति आवश्यक है, क्योंकि सीमावर्ती भाषाओं और बोलियों ने कहीं कम और कहीं अधिक बुंदेली को प्रभावित किया है और बुंदेली को अपनी संपूर्णता में समझने हेतु इस प्रभाव का अध्ययन सप्रयोजन है। बुंदेली भाषा के उत्तर में ब्रज और कन्नौजी, पूर्व में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, पश्चिम में मालवी और निमाड़ी एवं दक्षिण में मराठी और नागपुरी हिंदी बोली जाती है। सीमा क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली का रूप मिश्रित है। बुंदेली भाषी क्षेत्र की उत्तरी सीमा ब्रजभाषा का क्षेत्र है, अतः दोनों लोक भाषा के मिलन क्षेत्र की भाषा बुंदेली और ब्रज का मिश्रित रूप है। इसी प्रकार बुंदेली भाषी क्षेत्र के पूर्वोत्तर में कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है। अब यह क्षेत्र दोनों बोलियों का मिलन क्षेत्र है, इस कारण भिंड जिले के उत्तरी भाग
और मैनपुरी तथा इटावा जिले के दक्षिण भाग में बुंदेली और कन्नौजी का मिश्रित रूप मिलता है। हालांकि दोनों भाषाओं के इस मिश्रित रूप वाले क्षेत्र को डॉक्टर ग्रियर्सन बुंदेली का क्षेत्र ही मानते हैं। शुद्ध मानक और आदर्श बुंदेली का रूप मध्य क्षेत्र में ही सुरक्षित मिलता है। बुंदेली भाषाई क्षेत्र की दक्षिण सीमा से मराठी क्षेत्र प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ बुंदेली इससे अप्रभावित रही है। छिंदवाड़ा के कुछ हिस्सों में पंवार जाति के लोग आकर बस गए, जिनकी जाति भाषा मालवी और बुंदेली का मिश्रित रूप है, जिसमें मराठी के शब्द मिल गए हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भाषा के इस मिश्रित रूप को पवारी नाम देकर बुंदेली का ही एक रूप स्वीकार किया है। होशंगाबाद और सुहागपुर तहसील की लोक भाषा बुंदेली है, लेकिन हरदा जिले की भाषा बुंदेली नहीं है। गुना, शिवपुरी और सीहोर जिले के पश्चिम भाग में मालवी मिश्रित बुंदेली का प्रयोग होता है। बुंदेली और बैसवाड़ी का मिश्रित रूप हमीरपुर जिले के कुछ भाग में प्रयुक्त होता है। दमोह के कुछ हिस्से में तथा कटनी में बुंदेली बघेली से प्रभावित है। सीमा क्षेत्रों पर भाषाओं का यह मिला जिला रूप इस कहावत को चरितार्थ करता है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। इस प्रकार हमने देखा कि बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भागों को बुंदेलखंड कहते हैं और वहाँ की लोक भाषा है बुंदेली या बुंदेलखंडी। इसका विकास शौर सैनी अभ्रंश से हुआ है। आज बुंदेलखंड का बहुत सा भाग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हो गया है, फिर भी बुंदेली बोली इसके अस्तित्व को जीवित रखेगी। बुंदेली भाषा की सुकुमारता, कोमलता, माधुर्य और विनयशीलता में ही इसकी प्राण शक्ति छिपी है। इस संदर्भ में बुंदेली के एक उदाहरण से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है। आज के इस पाठ को हम बुंदेली भाषा के एक उदाहरण के साथ समाप्त करते हैं। जेठ की परी दुपहरिया टूट, मूंड पे आगी जैसी घाम, कांख में दबे कोख के लाल, गैल में का करिए अबराम।